तरसती है हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो आपको क्या बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। एंड गाइस यहाँ पर जो आपने शुरुआत में जो वीडियो देखी है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई इंस्टाग्राम रील्स पे। अगर दोस्तों आप उस टाइप की रील्स बना के इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड करते हो तो आपकी भी दोस्तों वीडियो वायरल हो सकती है और आपके भी अच्छे खासे व्यूज़ आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने उस टाइप की वीडियो कैसे क्रिएट करनी है, कैसे बनानी है, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपका भाई आपको सिखाने वाला है कि उस टाइप की वीडियो आपको कैसे बनानी होती है, कैसे उसकी एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको बताने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड देखते रहना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास होना चाहिए वीएन ऐप, तो इसको दोस्तों आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी डाल रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वीएन ऐप वो ओपन हो रहा है। एंड अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ओपन करने के बाद आपके पास दोस्तों दो फोटो होनी चाहिए। आपने दो फोटो को ले लेना है, जिसकी भी आप दो फोटो लेना चाहते हैं वो फोटो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दो फोटो मिनिमम आपने ले लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे चले आना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपने फोटो पे आना है और यहाँ पे दो फोटोज़ को यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो कोई भी आप दो फोटोज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फटाफट से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई उसके बाद यहाँ पे आप एरो का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। उसके लास्ट में जाना, ये ब्लैक से पार्ट को डिलीट कर देना, ऊपर जाना है 9016 इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रॉप पे जाना है और यहाँ पे भी आपने 9016 इसको को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं और इस लास्ट वाली फोटो को भी 9016 इसको के रेशियो में सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना हो गया, इतना दोस्तों उम्मीद आप समझ में होगा, कुछ नहीं इसमें दिक्कत आई होगी। उसके बाद यहाँ पे आप म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे म्यूजिक पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और एक्स्ट्रा फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो वीडियो, इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जैसे भी इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, आपका दोस्तों म्यूजिक सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं बोले यहाँ पे। तो इसका दोस्तों म्यूजिक का लिंक भी मैं नीचे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने म्यूजिक पे चूज वाले आइकन पे क्लिक करना है और चेक वाले साइन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे हमारे म्यूजिक जो दोस्तों यहाँ पे लग चुका है। एंड दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो बीट के अकॉर्डिंग फोटो को कैसे जो है मैच करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने कहाँ पे अपनी फोटो को लगाना है, इस फोटो को थोड़ा सा आपने बड़ा कर लेना है, ठीक है। देन बड़ा करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 4.12, यहाँ पे दोस्तों 4.2 दिख रहा है, जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेकंड लिखा हुआ आ रहा है। उसके यहाँ पे एक दूसरा डंडा है, यहाँ पे पहला डंडा है, यहाँ पे दूसरा, मतलब 4.2 वाले पे यहाँ पे आपने जोड़ देना है। अब दोस्तों मैं जूम करके आपको दिखा दूंगा। उसके यहाँ पे स्प्रेड पे क्लिक कर देना है और आगे वाले जो ये वीडियो है, ये फोटो है, इसको यहाँ से आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। इतना हो गया और यहाँ से दोस्तों पीछे जो आपका म्यूजिक है वो पूरा इक्वल कर देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस टाइप से मतलब अपनी फोटो के जो अकॉर्डिंग आपका म्यूजिक पूरा हो चुका है, ठीक है ना। देन उम्मीद है दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। एंड अब आपने दोस्तों यहाँ पे करना है, अब यहाँ पे आपने इफेक्ट को ऐड करना है। देन इफेक्ट कौन सा ऐड करना है, यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक करना है, फर्स्ट फोटो में आना और यहाँ से आप ब्लैक वाला जो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसकी लेंथ को आपने रखना है लगभग 4.6, लगभग आपने यहाँ पे रहने देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर दूसरी फोटो पे जाना है और यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप कोई सा भी इफेक्ट लगा सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे दोस्तों मैं जीटल का लेफ्ट वाला लगा रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हो आप, इस टाइप से आप लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो फोटो वो कंप्लीट हो गई। एक बार मैं आपको चला के दिखाना चाहता हूँ, तो एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप से आप इस टाइप की वीडियोस को बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल एडिटिंग मैंने बताई, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। एंड दोस्तों इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देन इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी जो वीडियो है दोस्तों एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो जो दोस्तों एक्सपोर्ट हो गई है, उसके बाद यहाँ पे सेव टू एल्बम पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों। और कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम।